हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज देख रहे हैं मेरे सामने एक टुल्लू पंप है, तो इसका हम वाइंडिंग किए थे। तो ये देख रहे हैं, इधर से हम होल किए हैं। इसका दूसरा साइड में भी आपका देखिए, ये देखिए, ये हम होल किए, दूसरा साइड में भी होल है। तो ये डिस्टर्ब क्या हुआ, दूसरा साइड से जिस साइड में लीड निकालना था उस साइड में लीड नहीं निकाले, ये आपका पीछे साइड में लीड निकाल दिए। जब फिनिशिंग कर दिए, जब लीड निकालने जा रहे थे, देख रहे कि वो साइड में किया हुआ। तो हमको एक ही उपाय किए कि इसको ड्रिल करके हम लीड को बाहर कर दिए। बढ़िया से इसका बीट लिए, आराम से इसको बढ़िया हल्का हल्का करके इसको बीट के द्वारा से हल्का छेदा किए, छेदा करके इसको चार ठो लीड हम बाहर निकाल दिए। तो कभी भी ऐसा होगा तो आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन फिटिंग उसी तरह होगा जिस तरह किया गया है, इसको उल्टा साइड नहीं करना। चलिए आपको फिटिंग करके भी और चालू करके भी दिखाएंगे कि चालू हुआ है कि नहीं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसको जल्दी हम फिट कर ले रहे हैं, इसका बॉक्स ऊपर का लगा दे रहे हैं, उसके बाद इसको हम फिट करके आपको चेक करा के दिखाएंगे। क्योंकि एक बार ऐसे ही घटना घटा था मेरे साथ में, उल्टा साइड में पूरा बाइंडिंग मार दिए थे और देख रहे जब लीड निकाल रहे हैं तो इस तरह आपका उल्टा साइड में लीड निकल गया था। तो फिर क्या करें, उसी तरह हम एक उपाय किए, हल्का हल्का ड्रिल लेके ए साइड में आपको होल कर दिया। और ये भी ध्यान रखिएगा, जिस साइड होल किया हुआ उस साइड में पानी ना ढूकना चाहिए। तो ये साइड में तो कवर है तो इसमें पानी नहीं ढूकेगा, तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देख के ही करना पड़ेगा कि इस साइड में होल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तब हम देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम ड्रिल लेके इसको ई किए हैं, होल किए हैं। तो चलिए इसका स्लॉट का जो पेपर उठा हुआ है इसको हम छुरी की सहायता से इसको बैठा दे रहे हैं। तो बढ़िया से इसको हम ग्रीसिंग कर दिए, नीचे में बैरिंग का उसमें भी ग्रीसिंग डाल दिए। और ये तो केप लगा हुआ है तो इसमें ग्रीस लगाने की क्या कोई दरकार नहीं है, फ्री है। तो अब देखिए हम फिट कर रहे हैं, देखेंगे इसका कोर और रोडर तो बराबर में है कि नहीं। तो ये देखिए, ये आपका लग रहा है बराबर में आया है, जिस तरह फिटिंग था उसी तरह हम फिटिंग किए हैं। देखिए कोर और इसका रोडर दोनों भी बराबर में आ गया है। तो चलिए अब इसको हम ढक्कन तो लगाते हैं और फिर टाइट करके एक बार चेक करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं। इसमें करने को उपाय था तब हम किए, अगर किसी किसी मोटर में करने को उपाय नहीं रहेगा तो फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा, लीड को निकाल के उसमें इस साइड में करना पड़ता है। तो इसमें उपाय था तो हम इसी कारण से इसमें कर दिए।
ये हल्का टाइट हो रहा है, तो देखते हैं एक बार फिर इसका फैन कवर लगाते हैं, एक बार फिर चालू करते हैं, उसके बाद देखते हैं। यह हल्का सा टाइट है, तो एक बार देख लेते हैं चालू करके कि चल रहा है कि नहीं। चलिए, तो बॉडी आपका इसमें नहीं है, बॉडी आपका ठीक है, तो चलिए एक बार डायरेक्ट लाइन देके चेक करते हैं। ये देखिए चालू हो गया है आपका, ये देखिए तो जाम है, तो इसी कारण से ये तो दिक्कत हो रहा, चल नहीं रहा। हमने चलते चलते ये फ्री हो जाएगा, धीरे धीरे करके ये चलते चलते फ्री हो जाएगा। थोड़ा जाम होने के कारण इसमें थोड़ा देरी से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह करने से दिक्कत होगा। थोड़ा सा हम हथौड़ी लेके हल्का सा ठोक दे रहे हैं, देख रहे थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो लकड़ी का हथौड़ी लेके इसको ठोकेंगे हम। तो इसमें एक बार लाइन देके चेक कर ले रहे हैं हम, तो चलिए इसमें हमको करने के लिए जगह था तो हम कर दिए। और हर टुलू पंप में वैसे ही होता है, एक टुलू पंप में और था प्रॉब्लम, उसी तरह किए थे। पूरा लीड निकालने के बाद फिर देख रहे थे कि इस साइड में उल्टा साइड में ये लीड निकल चुका था, तो इसमें हम कर दिए, इसमें जगह था तो हम कर दिए थे। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा है, बढ़िया लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद एंड वंदे मातरम।